अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। तो चलिए सबसे पहले तो हम YouTube पर चलते हैं। YouTube पर चल के हम YouTube खोलते हैं। YouTube खोल लिया है। अब सबसे पहले हम YouTube पर हम सबक दरस निज़ामी उर्दू में लिख के इस तरह से लिख के सर्च करेंगे। अगर हमने ये उर्दू में लिख के सर्च किया है तो इस तरह से हम इस पर टच करेंगे या हम अभी बैक हो जाते हैं। इंग्लिश में लिख के अगर सर्च करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से इंग्लिश में लिख के सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर सर्च पे गए और इंग्लिश हमने ज़बान अपनी कर ली, लिखा HUM हम SABAQ हम सबक दर्स DARS दर्स स्पेस ई स्पेस निज़ामी निज़ामी NIZAMI ये हमने लिखा और हमने सर्च कर लिया। अब ये सर्च किया तो हम सबसे ऊपर लोगो बन के आ गया। इसको हम सर्च टच कर लेते हैं। टच किया तो देखिए सबसे पहले लिखा है, सबसे ऊपर जो तीर बना हुआ है उसके नीचे होम लिखा हुआ है ना। ये हम चैनल पर आ गए। अब चैनल के फीचर्स ऊपर लिखे हुए हैं तो होम सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद वीडियोज़ लिखा हुआ है, उसके बाद में ये वीडियोज़ मतलब जो भी हमने डाली है अब तक वो सारी वीडियो तरतीबवार ये दिखाएगा। लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट है। अब हमने यहाँ प्लेलिस्ट पर को ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है तो इसको हम खोल लें। तो सबसे पहले देखिए ऊपर लाइक्स वीडियो का आ रहा है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। जो वीडियो हमने देखी है और हमने उनको लाइक किया है वो ऊपर वीडियो आ गई हैं। हमारे जो चैनल में जो हमने अपलोड किए हैं वीडियो वो यहाँ से हैं उसके नीचे। जैसे फारसी की पहली ये 12 वीडियोज़ हैं इसमें, इसको हमने खोला तो इस तरीके से देखिए सारे दर्स नंबर 1, दर्स नंबर 2, दर्स नंबर 3 इस तरीके से इसमें अभी 12 दर्स मौजूद हैं। तो 12 दर्स सब हैं। अब आप जिसको खोलना चाहें, मसलन हमने दर्स नंबर 12 को खोला इस तरह से जाकर खोल लिया। अब दर्स नंबर 12 खोला तो अब ये हमारा दर्स नंबर 12 शुरू हो गया। अब यहाँ पर ऐड आ रहा है तो इस ऐड को हम अभी चाहें इसे स्किप ऐसे कर देते हैं और ऐड ख़त्म हो जाएगा और हमारा दर्स शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो ये तरीका है इसको देखने का। तो अब हम इसको इसमें बैक हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और अब हम दूसरी कोई प्लेलिस्ट खोल के देखते हैं। जैसे कि ये फारसी की पहली हो गई, ये है उसूल शाशी मसलन, इसको हमने देखिए दर्स नंबर 1, दर्स नंबर 2, दर्स नंबर 3। उसूल शाशी का आपका कोई भी दर्स पढ़ना हो इस तरीके से सारे दर्स मौजूद हैं। अब हम फिर बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद में अब हम यहाँ पर ये करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, हर एक प्लेलिस्ट के ऊपर ही नंबर लिखा आ रहा है कि हुसामी 70, यानी इसका मतलब होता है कि 70 वीडियो इसमें मौजूद हैं और अलमोतकदुल मुंतकद 71 वीडियो मौजूद हैं, है ना। ऊपर लिखा है शरहुल अकायद, इसमें 67 वीडियो हैं और उसके पास में दाहिनी तरफ देखिए लिखा हुआ है दुरूज से शरहुल अकायद अज़ इब्तिदा तब हैज़ तकवीन, यानी अज़ इब्तिदा तब हैज़ तकवीन यानी शशमाही अव्वल के ये 67 दुरूस हैं जो कि सफ़ा नंबर 80 तक हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से सारे दुरूस मौजूद हैं। अगर कहीं पर किसी किताब की दो प्लेलिस्ट हैं, मसलन कोई किताब ऐसी है कि जो शशमाही अव्वल में भी चलती है और शशमाही सानी में भी चलती है, तो उसके हमने शशमाही अव्वल की अलग प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हमने लिख दिया है अज़ इब्तिदा और शशमाही सानी की अलग लिस्ट बना दी है। तो अगर किसी किताब की दो प्लेलिस्ट हैं तो समझ लीजिए कि वो पूरे साल चलने वाली किताब है और उसमें शशमाही अव्वल और शशमाही दोम दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे कि हम यहाँ पर शरहुल अकायद को खोल लेते हैं। शरहुल अकायद को हमने खोला, अज़ बहज़ तकवीन है, अज़ इब्तिदा तब बहज़ तकवीन है। तो देखिए सबसे पहले शरहुल अकायद दर्स नंबर 1 में साहिब अकायद नस्फिया की ज़िंदगी के बारे में, और फिर शरहुल अकायद दर्स नंबर 2 में साहिब शरह अकायद अल्लामा सादुद्दीन तफ्तज़ानी के बारे में, और शरहुल अकायद दर्स नंबर 3 खुतबा शरहुल अकायद है, अल्फाज की तशरीह है। इस तरीके से हम जो भी हम सबक पढ़ना चाहें इस तरह से हम सारे असबाक पढ़ सकते हैं। तो ये तो तरीक़ा हो गया
हमारे चैनल हम सबक दरस निज़ामी पर असबाक को किस तरीके से पढ़ें, बहुत सारे तलबा कन्फ्यूज़ रहते थे। तो ये देखिए हमने ये अपना चैनल खोल लिया है, तो खोला अब अगर इसको हम थोड़ा सा खोलने के बाद में इसको हम स्लाइड ऊपर करके ऊपर के लिए कर दें तो देखिए नीचे हमारे दो चैनल और आ रहे हैं। हमारा दूसरा चैनल भी देखें यानी दरस ज़िंदगी, इस चैनल पर हम आवाम के लिए वीडियो डालते हैं। यानी बहुत सारे हमारे आवाम ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक़ था हमसे और उनका ये कहना था कि दरस निज़ामी का जो चैनल है उससे हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हमने ये दो चैनल आगे शुरू किए हैं, एक दरस ज़िंदगी और एक दुआ दवा के नाम से। इससे आम आपके तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले चैनल में दरस ज़िंदगी में हम अपने बुज़ुर्गों के वाक़ियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, नात पाक और दीगर तारीख़ी वाक़ियात, चाहे वो तारीख़ इस्लाम हो या हमारे तारीख़ सलातीन या तारीख़ हिंद हो, हम इस तरह के वाक़ियात और इस तरह की तारीख़ी बातें इसमें डालते हैं जिससे आम लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो जाता है। और दुआ दवा में हम रूहानी इलाज और यूनानी इलाज, जैसे कि हमारे मर्दों के, नौजवानों के मखसूस अमराज हैं, औरतों के मखसूस अमराज हैं या आम कोई बीमारी है तो उसका यूनानी इलाज क्या है, उसका नुस्खा क्या है, आप किस तरीके से तैयार करेंगे, तरकीब क्या होगी, वो पूरा हम दुआ दवा में डालते हैं। आप लोग इससे भी, इन दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें और इनसे भी फ़ायदा उठाएं। इस ये हमारे चैनल का एक इजमाली खाका था जो हमने आपको बता दिया, आप इस तरीके से हमारे चैनल पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी।